हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। अभी हम कहाँ पर बैठे हैं? लुक लुक लुक, दिस इज द लोकेशन। अब फिलहाल तो हम महाबलेश्वर में हैं और महाबलेश्वर में जो लेक है उसके बैक साइड में फिलहाल तो बैठे हुए हैं हम। तो यही बस, बहुत चिल लग रहा है। एंड दिस एनवायरनमेंट इज लाइक बहुत सुकून, कहते हैं वो सुकून। हनुमान दादा के दर्शन कर लिए और अभी हम बैठे थे, बारिश चालू हो गई एंड बस पकौड़ों की कमी आई। हम तो यहाँ पे पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ये आई कांट डिस्क्राइब इट मैन। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। और ये पीछे आप अपने पीछे यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। यस, आई एम सिटिंग एट दिस बेंच। वो जय बजरंग बली। तो ये है हनुमान जी का मंदिर और आपने तो दर्शन कर ही लिया अभी। एंड अभी इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को। तो यहाँ पर दो तीन गुफा है, स्मॉल स्मॉल है, छोटी छोटी है लेकिन भाई डरावनी है। सो चले वहाँ पर चलते हैं। और फिलहाल तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देखिए वहाँ पर मेरा छाता है और वहाँ पर हम बैठे थे पढ़ते हुए। चलिए नीचे चलते हैं और हम मछलियों के लिए खाना लाए थे सो वो भी दे देंगे। सो शायद हमें नज़र आ जाए आज मछलियाँ, नहीं भी आई तो मेरे पास पिछली बार का फुटेज है सो वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर यार। ठीक है चलो, एट दैट प्लेस मतलब पानी के नज़दीक चलिए। सो आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी तो पानी बहुत ही नीचे गया है। अभी जो मई महीना ख़त्म हुआ और जून स्टार्ट हुआ है एंड बारिश का अभी भी ऐसा कुछ ठीक से पता नहीं है, पर आज ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ये जो मंदिर है वो नया मंदिर है जो कि कुछ सालों पहले बनाया है। लेकिन पहले जो मंदिर था वो वहाँ पर था जो कि बाद में लेक का लेवल बढ़ाने पर बारिश में नीचे जाता था पानी में, इसलिए ये मंदिर को बनाया गया। तो ये है पुराना मंदिर हनुमान जी का जो कि अभी फिलहाल पानी जब बढ़ता है तो पानी के अंदर रहता है। सो दिस इज द ओल्ड टेम्पल। यहाँ पर भी छोटा मंदिर है, सॉफ्ट सॉफ्ट मिट्टी हो गई है बारिश की वजह से लेकिन पैर धस नहीं रहा, पर मज़ा आ रहा है चलने पर। और ये देखिए डरावना पेड़, लाइक एन हॉरर स्टोरी। भूत वालों पिक्चर में है, भूत वालों पिक्चर होते हैं हॉरर मूवीज में, जैसे पेड़ होते हैं ऐसा कुछ है। एंड यू कैन सी दैट लोग बोटिंग कर रहे हैं, उसमें भी कोई अलग ही मजा है। सो लेट्स गिव द फूड टू द फिशेस। सो मुरमुरा तो निकाल लिया तो चलो खिलाते हैं मछलियों को। सो ऐसा कुछ मुरमुरा को भिगो कर हम मछली को खिला देते हैं क्योंकि अंदर हम भेज सके। ये 1 2 3 सो फिलहाल तो मछलियाँ कुछ नजर नहीं आ रही है, मछलियाँ तो खा लेगी तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे पत्थर हैं जिनमें ऐसे गुफा टाइप कुछ स्ट्रक्चर बन चुका है। सो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर सबसे बड़ी गुफा,
जिसे मैं पहले डरता था कि यार उसमें कोई तो छुपा है, शेर है या कुएं है, ऐसे मुझे डर रह जाता था। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो चलते हैं वहाँ पर। तो फटक से उस गुफा की ओर चलते हैं, उसे देखते हैं एंड विल रिटर्न। वो सो वहाँ पर आगे ऊपर है वो गुफा। सो चले। तो जी बारिश शुरू हो गई। सो ये है वो गुफा, और जैसे कि मैंने कहा बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी थोड़ा मुझे डर लग रहा है, डर मतलब यार कुछ सांप वाप होगा। तो पहले ही हमारा कुछ अच्छा रिश्ता नहीं है सांपों के साथ। सो दिस इज द केव जो कि पानी में रहती है, बारिश में पूरा ऊपर तक पानी होता है। सो जब ये ऊपर तो देख लिया हमने, एंड वो वहाँ पर है वो रेलवे क्वार्टर्स है। एंड देखिए कैसे बोट बारिश में नज़र आ रही है, पीछे उसके जो निशान है वो छोड़ते हुए। सो चलिए रिटर्न चलते हैं अभी हमारे गाड़ी की ओर। और अभी तो बारिश चालू हो चुकी है, सो घर तो नहीं निकल सकते फिलहाल, पर चलो वहाँ पर बैठते तो सही, उससे आगे भी देखेंगे जा। ओहो, ये जो लकड़ी है वो मुझे थोड़ा सांप के जैसे लगी। सो मैं थोड़ा हार्ड बीट। अब जो हमने गुफा देखी वो कुछ इस साइड थी, जो कि मेन स्क्रीन में दिख रहा है आपको। एंड करंटली वी आर इन द फ्रंट ऑफ हनुमान जी का मंदिर। एंड अभी चलते हैं वहाँ पर, वहाँ पर देख रहे हैं आप, वहाँ पर एक कॉटेज जैसा है। सो वो भी एक कुछ ऐसा खंडहर जैसा पड़ा हुआ है, मतलब वहाँ पर लोग हैं लेकिन। और उसी के पीछे विल्सन पॉइंट है, अभी जो टावर है वो तो बादलों में चला गया है। तो ऐसा कुछ ये ट्रैक है। एंड बारिश में मैं जब अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, सो वहाँ पर आप मंदिर का ये देख सकते हैं। सो वहाँ तक पानी होता है। सो जब हम आएंगे बारिश में भी, सो वी विल ट्राई टू कवर इट ऑल्सो। एंड देख सकते हैं आप इतना पानी नीचे गया है, जो कि पूरा बारिश में लेवल अप रहता है। यस वी आर एट द अपोजिट एंड, हम वहाँ पर थे अब यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर ऊपर प्रताप सिंह गार्डन है। एंड यहाँ से और अगर हम आगे चले गए सो हम लेक पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर लेक का बोट क्लब है। सो ये भी कुछ ऐसा कुछ ये ट्रैक है। एंड फिलहाल तो हम इस रूट से पीछे जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ पर लगाई है हमने। सो यही कुछ था हमारे आज के व्लॉग में। एंड जो ये अभी मानसून सीजन स्टार्ट हो रहा है यार, जो एक्साइटमेंट लेवल है, जो नेचर अपनी ब्यूटी निकाल देती है, मतलब यार दैट इज़ वेरी अमेजिंग। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको ये लोकेशन पसंद आया होगा, आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई लोकेशन पर। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।